हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामा बच्चा। आप में से काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि मैं कभी भी कोई व्लॉग लेकर नहीं आती हूँ, तो आज फाइनली मैं व्लॉग लेकर आ गई हूँ। आज एक्चुअली मेरा कोई दिमाग में नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट सिंस आज सैटरडे है, मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। और एक्चुअली मुझे कल एक फंक्शन में जाना है, मेरी एक कज़िन है, कज़िन तो नहीं बोलूँगी, अच्छी सिस्टर ही बोलूँगी मैं उसको, क्योंकि हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं। तो उसका उसके बच्चा हुआ था, वैसे तो वो 6 महीने का हो गया है, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने फंक्शन नहीं किया था, वो 6 महीने का हो गया है, तो उसके बाद उनके यहाँ पे वो कथा एंड फंक्शन वगैरह है, तो हम उसमें जाने वाले हैं। तो अभी मैं एक्चुअली इसी वजह से नन्नू का जो ये बैग है वो तैयार कर रही थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगी कि मैं नन्नू के लिए क्या क्या पैक किया है, मैं उसका सामान कैसे पैक करके लेकर जाती हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगी, और साथ में मैं कुछ अपने बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, मैं व्लॉग्स लेकर नहीं आती हूँ, तो काफी लोगों को यही नहीं पता कि मैं करती क्या हूँ, कितने लोग हैं मेरी फैमिली में, ये सब चीजें नहीं पता है। तो आज के वीडियो में मैं अपने बारे में बेसिकली सब बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली जिसके यहाँ हम जाने वाले हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो वो एक्चुअली दोनों पुणे में वर्किंग है, लेकिन कटनी में उनके इन-लॉज रहते हैं, तो उनके यहाँ जाने वाली हूँ। वो एक्चुअली मेरी बुआ की बेटी है, बुआ से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि जब मैं 12 साल की थी, मेरे ख्याल से मैं 7th करके, हाँ जब 8th में जाने वाली थी, तो मैं उनके यहाँ पर चली गई थी अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, बहुत छोटी जगह है स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, अगर आप अच्छी स्टडीज़ चाहते हो तो आपको वहां से बाहर ही जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मेरे पापा ने मतलब मुझे बहुत छोटे में ही निकाल दिया था, मतलब घर से बाहर कर दिया था मतलब मुझे पढ़ाई के लिए मेरी बुआ के यहाँ छोड़ा था। तो मैं बुआ के यहाँ 5-6 साल करीब रही हूँ। फिर फिजी मेरी कजिन है, जिसका नाम फिजी है, मुझे पता दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आएगा, वो है FIZY फिजी। तो फिजी और मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है शुरू से, मतलब वो हम लोग एक तो पहली चीज सेम एज के हैं, तो हम लोग का साथ में उठना बैठना, बातें शेयर करना, स्कूल सेम रहना। फिर जब हम लोग फर्दर स्टडीज के लिए बाहर गए, मतलब बुआ के यहां से भी बाहर गए, हॉस्टल में भी हम लोग साथ में ही रहे हैं, तो इट्स लाइक कि हम लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड ही बोलेंगे, मतलब हर चीज शेयर करना, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। तो उसके बच्चे का फंक्शन हो, मैं जाऊं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे वहाँ पर मतलब मम्मी पापा के साइड पे और किसी का, मतलब नन्नू का एक तरह से भाई नहीं है, मतलब मेरा भाई है एक, तो मेरे भाई की भी लड़की है, बेटी है, और मेरी दूसरी दीदियाँ हैं, मतलब कजन्स वगैरह, उनके सबके बेटियाँ ही हैं, बट फिजी का ही केवल बेटा है। तो मतलब ऐसा है कि इस बार की राखी में नन्नू को एटलीस्ट एक भाई मिल गया है कि जिसको वो राखी बांध सकती है, तो एक ये भी है। और इसलिए नन्नू को भी जैसे मैं समझाती हूँ ना उसको कि भैया मिलेगा, छोटा बेबी होगा, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो एनीवे वो कल हम जाएंगे, अगर मैं कोशिश करूँगी अगर वहाँ का व्लॉग बन पाया तो वो भी ज़रूर बनाऊँगी, बट मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी व्लॉग नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, तो मेरे लिए भी ऑल टुगेदर नया एक्सपीरियंस है, अगर हो पाया तो बनाऊँगी व्लॉग। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना उसके लिए, अथर्व नाम है एक्चुअली फिजी के बच्चे का, तो अथर्व के लिए मैंने क्या क्या मंगाया है वो बताती हूँ मैं। तो एक्चुअली मैंने हॉपस्कॉच से उसके लिए 3 सेट मंगाए थे कपड़ों के, तो मैंने उनके लिए वहीं पे डायरेक्ट ऑर्डर कर दिए थे, पुणे में ही ऑर्डर कर दिए थे, बट प्रॉब्लम क्या हुई, उसमें से एक का मटेरियल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसका तुरंत रिटर्न डाल दिया है, और 2 कपड़े हैं तो वो उसके यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वो ठीक हैं, अभी थोड़े से बड़े हैं, सिंस वो अभी 6 मंथ का ही है, तो मैंने 6 से 12 महीने के एज का मंगाया था, तो ठीक है बड़ा है तो चल जाएगा, एटलीस्ट बाद में पहना सकती है। और मैं जब कटनी जाऊँगी, कटनी भी MP में ही आता है, तो जब मैं कटनी में जाऊंगी तो कटनी में मैं वहाँ पर जाकर मतलब लोकल में ही जाके मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कल उनके यहाँ पे फंक्शन करीब संडे को 11-12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे को अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, मैं अभी खजुराहो में हूँ एक्चुअली, तो खजुराहो से कटनी जाने में करीब 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर सुबह जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो 3.5 घंटे लगेंगे, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, और 11-12 बजे से उनके यहाँ पे फंक्शन है, तो मुझे उसके पहले कैसे भी जाके मैनेज करना है, और एक मतलब उसके लिए एटलीस्ट 2 ड्रेसेस अच्छी से लेकर आनी है, तो एटलीस्ट 4 या 5 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे उसको देने के लिए, तो अच्छा रहेगा। साथ में मैं उसके लिए एक गोल्ड की रिंग ले जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मुझे मार्केट जाना है आज शाम को, या मम्मी चली जाएंगी, मेरी मदर इन लॉ, तो वो लेकर आ जाएंगी, कोई भी लेकर आ जाएगा मतलब, तो एक वो रिंग हो जाएगी और कपड़े हो जाएंगे, और मैं गिफ्ट भी दे रही हूँ फिजी लोगों को, तो गिफ्ट में मैंने तो सैंडविच मेकर मंगाया, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला चलो उसे घर का भी यूज़ हो जाएगा, तो वो मैं दे रही हूँ।
और जो भी मैंने हॉपस्कॉच से कपड़े मंगाए हैं वो भी मैं आपको वहां पर जाके कोशिश करूंगी तो शेयर करूंगी, या मैं यहाँ पर कहीं पिक्स विक्स लगा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने लड़के के लिए कौन से कपड़े मंगाए हैं। बट उसको दो तो अच्छे लगे, मटेरियल अच्छा था, एक नाइट ड्रेस था और एक नॉर्मल था कपड़ा, लेकिन मटेरियल एक का अच्छा नहीं था तो उसने रिटर्न कर दिया था। तो मतलब मैंने तीन पेयर जैसे ऑर्डर किए थे तो दो उसने रख लिए, एक नहीं रखा है, और मैं बाकी दो या तीन सेट वहां जाकर ले लूंगी। और ओके, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अभी नन्नू कहाँ है, नन्नू कर क्या रही है। तो एक्चुअली अभी बजा हुआ है ना करीब 2 बज रहा है अभी, और नन्नू अभी सो रही है, वो नीचे दादी के पास है अपने, और मैं यहाँ पर पैकिंग करने आई हुई हूँ। एक्चुअली ना आज सैटरडे है इसलिए मुझे इतने आराम से टाइम मिल रहा है कि मैं आराम से पैकिंग कर रही हूँ, वरना क्या होता है हम लोगों को ना ज़्यादातर कहीं भी जाना होता है तो फ्राइडे नाइट निकलना होता है या फिर हम सैटरडे मॉर्निंग निकलते हैं। तो मतलब मेरे पास इतने अच्छे से टाइम नहीं होता है कि मैं इतने अच्छे से बढ़िया बैग वैग पैक करूँ, आराम से बैठ के और आपसे वीडियो शेयर करूँ। वो तो संडे का फंक्शन था इसलिए मुझे आज सैटरडे को निकलना था, मतलब सैटरडे का टाइम था, मुझे कल संडे मॉर्निंग निकलना है इसलिए मेरे पास इतना टाइम था। वरना क्या होता है मैं रात को 12-1 बज जाती है, जब मुझे फ्राइडे नाइट निकलना होता है 12-1 बज जाती है रात को, तब मैं पैकिंग करती हूँ। तो ये बहुत, क्योंकि बाकी दिन बाकी दोपहर दोपहर के टाइम पे मुझे ऑफिस में रहती हूँ मैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, मेरे पास रात का ही टाइम रहता है तभी मैं पैकिंग करती हूँ, बट आज लकी दी मेरे पास टाइम है। अच्छा, ऑफिस से याद आया, कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, करती क्या हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करती हूँ, आईटी इंजीनियर हूँ मैं। मैं इंदौर में ही वर्किंग हूँ, बट मेरी कंपनी है जो उसने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब मैं कई बार खजुराहो से भी काम करती हूँ, कई बार मैं इंदौर से भी काम करती हूँ। तो खजुराहो से जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ, इंदौर में जब होती हूँ तो मैं इंदौर में ऑफिस जाके काम करती हूँ, तो इस तरह से चलता है एक्चुअली। हुआ क्या था, लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, काफ़ी लोग आप में से काफ़ी लोग को पता है, और हम लोग सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में, मतलब सौरभ सबसे बड़े हैं, मेरे दो ब्रदर इन लॉ हैं और सौरभ की कोई सिस्टर नहीं है, मेरी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है रियल, मतलब कजिन्स तो हैं बट रियल नहीं है। तो इसीलिए पता है आपको मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, वो मुझे लड़की लड़की जैसे ही मानती है, मतलब मैं शायद बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिली है, बहुत ही सपोर्टिव है। तो क्या हुआ था, लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो मैं सबसे बड़े हैं हम लोग अपनी फैमिली में, मम्मी की इतनी एज थी भी नहीं, मतलब उस टाइम पे मम्मी हार्डली 50 ईयर्स की हैं, तो पापा का जाना एकदम ऑल ऑफ सडन था, और मेरे जो दोनों ब्रदर इन लॉ हैं उनमें से किसी की शादी भी नहीं हुई है। जो मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं वो अभी MD कर रहे हैं, जनरल फिजिशियन हैं, वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर रहे हैं MD। एंड जो मेरे दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं वो भी अभी BBA कर रहे हैं, वो भी मतलब कॉलेज में ही है। तो सारे मतलब दोनों ब्रदर इन लॉ छोटे छोटे, और एकदम से हम सब छोड़ के, और यहाँ पर पापा का बिजनेस है, एक्चुअली बिजनेस है हमारा, फैमिली बिजनेस खजुराहो में, एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट का है हमारा बिजनेस, वेडिंग डेकोरेशन एंड ये सब हमारा काम होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब इवेंट को मैनेज करने का काम है हमारा। तो बिजनेस था ऑलरेडी, और पापा का एकदम से जाना, बिजनेस किसी ना किसी को तो देखना ही था। तो फिर सौरभ ने फाइनली अपनी जॉब छोड़ दी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर तो हो गया, हाँ 1 साल तो हो गया, फिर सौरभ ने अपनी जॉब छोड़ दी, सौरभ एकदम से बिजनेस में लग गए। अब रही बात मेरी, तो इतनी कम से कम कंपनी ने आज इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि मैं कभी घर से काम कर लूँ, कभी मैं वहाँ जाके काम कर लूँ, तो इस तरह से हम मतलब मैनेज कर रहे हैं कि यहाँ पर का बिजनेस सही रहे, और आगे जो दो भाइयों को देखना है, मतलब उनकी शादी एंड ऑल वो सब कराना है, तो वो सब हम देखते रहें आगे जाके, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इस टाइम पर अगर हम साथ नहीं देते मम्मी का या अपने ब्रदर इन लॉ का तो वो गलत हो जाता हमारे लिए, तो हम लोग ने मिलजुल के खैर उस टाइम पर डिसीजन लिया था। तो ये बात थी मेरे इन लॉज के यहाँ की। तो बस हम लोग की छोटी सी फैमिली है, दोनों ब्रदर इन लॉ बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर बस मैं, मम्मी, नन्नू और सौरभ रहते हैं, बाकी दोनों ब्रदर इन लॉ मेरे हैं जो वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बात थी मेरे इन लॉज के साइड की, और मेरे जॉब के बारे में आपको पता ही चल गया कि मैं क्या करती हूँ। और सौरभ ने भी अब IT फील्ड छोड़ दी है, वो पूरी तरीके से बिजनेस में आ गए हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने नन्नू का बैग तो पैक कर लिया है, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं इसमें। ये ट्रॉली बैग ना एक्चुअली मैंने मंगाया था डिज्नी का, अमेजोन से मंगाया था ये, इसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, अगर इनकेस आपको परचेस करना है या देखना है कैसे क्या है तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो यहाँ पर मैंने नन्नू के डेनिम्स रखे हैं, शॉर्ट्स रखे हैं, ऐसे फोल्ड करके रखे हैं, ये आप देख रहे होंगे ना निशान, ये एक्चुअली मैं ना पूरियां तलते वक्त जल गई थी,
एनीवे तो ये डेनिम्स मैंने रखे हुए हैं, नन्नू के ऐसे फोल्ड करके रखे हैं जिससे कि ये श्रिंक व्रिंक नहीं होंगे, जिससे कि, और ये यहाँ पर मैंने सारी इसकी टीज रखी हुई हैं, नन्नू की टी शर्ट्स हैं, और ये यहाँ पर सारे उसके फ्रॉक्स ड्रेसेस या वन पीस ऐसा सारा चीज़ें रखा हुआ है। ये उसके डेली वियर के और पजामास रखे हुए हैं मैंने, और ये कि वन पीस इसका रखा हुआ है। और क्योंकि मुझे 3 दिन के लिए जाना है एक्चुअली, कल तो मैं फिजी के यहाँ पे जाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे मेरी एक कलीग है उसकी शादी भी अटेंड करनी है, मतलब, और परसों, मतलब देखिए, एक दिन मैं फिजी के यहाँ पे रहूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे जाऊंगी, मतलब जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, फिर उसके अगले दिन मैं जाऊंगी, मेरी मतलब एक कलीग है उसकी शादी है तो वहां पर जाना है। तो ये इस वाले बैग में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने उसके पार्टी वेयर ड्रेसेस रख रखे हैं नन्नू के। ये वाला जो जिप लॉक बैग आया था ये मुझे पेटपेट से आया था, तो ये मैंने अच्छे से रख लिया था क्योंकि कभी पैकिंग वैकिंग करो ना तो उसके लिए ज़रूरी होता है, ले जाना अच्छा होता है। तो बस इसमें ये रखा हुआ है, और इस वाले बैग में मैंने रखा हुआ है सॉक्स हैं इसमें, इनर वेयर है नन्नू के, और डायपर्स रखे हुए हैं मैंने इसमें। हाँ, इनर वेयर, सॉक्स और डायपर्स हैं इसके, तो ये बहुत अच्छे से आ जाता है, फैलेगा भी नहीं साथ में, मतलब एक जगह रहेगा तो निकालना भी इजी रहेगा। अच्छा, ये दो पाउचेस मैंने रख रखे हैं, इस पाउच में मैंने रखा है नन्नू के हेयर एक्सेसरीज, हेयर क्लिप्स, हेयर पिंस, रबर बैंड, ये सब, क्योंकि फिर वो ऐसे रख के ले जाओ तो सही रहता है, थोड़ा ढूंढना भी आसान रहता है और थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और इस वाले पाउच में मैंने रख रखा है नन्नू का ये बॉडी वॉश, शैम्पू ले जा रही हूँ मैं, वैसे मैं हिमालय का भी बॉडी वॉश यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, शैम्पू भी यूज़ कर लेती हूँ हिमालय का भी, बट ये बॉडी वॉश और शैम्पू इसमें साथ में है तो मुझे दो चीज़ें अलग अलग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये छोटी वाली हिमालय क्रीम जो कि मैंने नन्नू के लिए स्पेसिफिक ट्रैवलिंग के लिए रख रखी है, क्योंकि हम लोग को ट्रैवल बहुत करना होता है, आए दिन करना होता है, तो ये मैं एक छोटा सा रखी रहती हूँ जो ट्रैवलिंग में काम में आता है, साथ में बेबी रब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, याद आया, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि बेबी रब काम नहीं करता है ऐसा वैसा, मतलब बहुत मुझे कॉमेंट्स आते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, अगर आप इसको इनिशियल स्टेज पे यूज़ कर लोगे, जैसे बच्चे को तुरंत ही खांसी हो गई है, तुरंत ही सर्दी हो गई है, बस जब भी बच्चा सो रहा है ना आप इसको लगा लो तलवों पे और उसके हथेली पे, इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, तो वाकई नहीं बढ़ेगी, मतलब मेरे साथ तो यही है, नन्नू को थोड़ा भी अगर लगता है खांसी हो रही है, हम बस जब भी वो सोती है ना तब ये लगा देते तो उसको आराम मिल जाता है। और बस ये कुछ ड्रेसेस उसकी रह गई हैं रखने के लिए, ये देखो कितना प्यारा स्कर्ट लग रहा है, ये भी मैंने अजियो से ही मंगाया था, तो ये स्कर्ट टॉप, ये कुछ कपड़े और रह गए थे उसके रखने के लिए। इससे अभी इस बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें हम काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं अभी भी, अभी ये हम इसमें और भी सामान रख सकते हैं, बट बस 3 दिन के लिए जाना है तो 3 दिन के हिसाब से मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने रख लिया है, जिससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक ये बैग है जो कि मैं इसको ऊपर ही रखूंगी, मतलब कार में ही रखूंगी, मतलब ऊपर ही, इसमें नन्नू का ना मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग के टाइम पे एक हैंकी रख लिया है, और साथ में ये एक मूंग दाल, तो उसको बहुत पसंद है मूंग दाल, तो ऐसा है कि हम ट्रैवलिंग में उसको खिला सकते हैं नन्नू को। और सो बस नन्नू का बैग तो पैक हो चुका है और मेरा बैग भी हो गया है पैक, थोड़ा मोड़ा रखा हुआ बचा हुआ है सामान तो वो मैं रख लूँगी, और कल मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो नन्नू के खाने के लिए मैं वैसे तो सुबह निकलना है हम लोग को 5-6 बजे, तो 9:30 या 10 बजे पहुंच जाऊंगी वहां पर, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम पहुंच ही जाएंगे, नन्नू तो वैसे सोती रहेगी उस टाइम पे, बट अगर नन्नू को मतलब भूख वूख लगी तो इसके लिए मैंने इसमें मूंग दाल रख लिया है हल्दीराम का जो आता है पाउच, और साथ में मैं बिस्किट भी रख लूँगी और एक बोतल दूध रख लूँगी, तो मुझे लगता है वो दूध की बोतल ही ले लेगी, बाकी टाइम पे वो सोती रहेगी, फिर मुझे 9:30 बजे 10 बजे तो पहुँच ही जाना है वहाँ पर, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं क्या करती हूँ, अगर कभी दोपहर में हम जाते हैं तो फ्रूट्स ज़रूर रख के ले जाती हूँ, जैसे ग्रेप्स हो गए और एप्पल लेके जाती हूँ, साथ में एक नाइफ ले जाती हूँ तो उसको कट करके दे देती हूँ, अमरूद वगैरह वो बहुत पसंद करती है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अब जैसे बड़ी हो गई तो पूरी सब्जी भी ले जाओ रास्ते में, या पुलाव ले जाओ, या फिर सूजी का उपमा वगैरह बना के ले जाओ, तो बहुत आराम से खा लेती है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना उसके साथ बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि वो गुटक नहीं सकता, प्यूरी फॉर्म में ले जाओ खाने को, फ्रूट्स प्यूरीज खराब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट बड़े बच्चों के साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ओके, तो अब बज गया है करीब 2:30, मेरे ख्याल से 2:30 तो बज ही गए होंगे, और आज खजुराहो में एक्चुअली शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है, करीब 1-1.5 महीने का होता है, बहुत अच्छा मेला होता है, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ बट मैं सोच रही हूँ आज लेकर जाऊँ नन्नू को, क्योंकि फिर मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जाऊँगी, फिर ऑफिस हो जाएगा स्टार्ट मेरा, तो थोड़ा सा फिर सैटरडे संडे ही आएगा, फिर वीकेंड पे हमारे कुछ और ही प्लान हो जाते हैं, कभी हम बाहर चले गए तो नन्नू को लेके नहीं जा पाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ आज सैटरडे है, आज मेला लेके जाती हूँ, अगर हो सका तो मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊंगी, कैप्चर करूंगी कुछ क्लिप्स, आपको दिखाऊंगी नन्नू को, अभी एक दिन गई थी वैसे वो,
तो वहां पर झूले वूले झूलते वक्त मुझे लग रहा था डरेगी, बट डरी वरी नहीं, वो तो आराम से झूल रही थी, बोल रही थी और झूलना है तो झुलाना भी चाहिए, मतलब बच्चों का थोड़ा सा डर निकलना चाहिए। तो आज मैं सोचती देखती हूँ अगर प्लान हुआ तो जाएंगे हम लोग मेला, और वहां की क्लिप्स आपसे मैं शेयर करूंगी। हाथी नहीं है यहाँ पर, चलो देखो शेर मिल रहा है, ये मिल गया एलिफेंट। अरे चाहिए नंदू को, अरे वाह इतने पतला सा हाथी। सो गाइस मेला से आकर नन्नू बहुत ज़्यादा थक गई थी और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर उसके बाद हमने डिनर लिया और फिर उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था। तो कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग हमें बताइएगा। इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।